हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल। तो भाई आज हमारे सामने खड़ी है सबकी फेवरेट एसयूवी। भाई बच्चे से लेके बड़े तक सबकी फेवरेट है आज के टाइम में ये एसयूवी। और भाई नाम तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पता है भाई महिंद्रा की थार है। तो भाई थार का भी ये अपना बिल्कुल टॉप मॉडल है मैनुअल के अंदर, जो 4x4 मैनुअल के अंदर आता है। और भाई 4x4 के ना इतने फ़ायदे हैं कि भाई आज के टाइम में कहीं भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो आप। पर लेकिन भाई महिंद्रा ने ना इस टाइम पर लॉन्च कर दिए 1.5 लीटर के अंदर भी थार, जो कि भाई अपनी मात्र 10 लाख रुपये एक शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। तो भाई थार लेने का तो अब सबका सपना सच हो जाता भाई थार लेने का, क्योंकि भाई इतनी सस्ती आ रही है। और भी बस इंजन ही तो छोटा करा, बाकी पूरी सेम लुक मिलती है। पर लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस महिंद्रा थार के टॉप मॉडल के बारे में 4x4 के अंदर, कि अपने को इसके अंदर क्या कुछ खास मिलने वाला है। भाई 19 लाख रुपए के आसपास इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है और 16,35,000 रुपये एक्स शोरूम है। तो उस हिसाब से देखते भाई थार वर्थ इट है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो भाई अगर लुक वाइज बात करते हो ना, तो भाई कोई गाड़ी इसको कॉम्पिटिशन नहीं दे सकती देखने में। बाकी अगर फ्रंट से देखते हो तो भाई ये पूरी की पूरी अपने को महिंद्रा थार की लुक मिलती है। उससे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। तो भाई ये की मिल जाती है अपने को, फ्लिप की मिलती है इसके अंदर। एक में तो भाई कुछ भी नहीं है, और जो अपनी दूसरी की है इसके अंदर लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है, और बाकी फ्लिप की मिलती है। तो अभी देखते हैं भाई फ्रंट में ऐसी कुछ लुक निकल के आती है अपने को महिंद्रा थार के अंदर। भाई फ्रंट में ना इसके अंदर अपने को हैलोजन लाइट ही देखने के लिए मिलती है, और यहाँ पर भी हैलोजन लाइट, और इंडिकेटर में भी अपने को हैलोजन मिलती है। अगर इसकी यहाँ पर देखोगे DLL मिल जाती है, जो गाड़ी स्टार्ट होती है तो जल जाती है। बाकी अपना भाई प्लास्टिक का बम्पर आता है, जो कि लोग आज के टाइम में इसको काफ़ी ज़्यादा चेंज करा लेते हैं भाई पूरा का पूरा। और इसकी ना हेडलाइट भी चेंज करा लेंगे, और ग्रिल भी रेंगलर वाली लगवा लेते हैं, तो गाड़ी पूरी रेंगलर लगती है उससे। और बाकी बम्पर वगैरह भी चेंज हो जाता है, तो भाई काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन भी हो जाती है थार के अंदर, कहने का मतलब ये है। उसके बाद आ जाते हैं भाई साइड प्रोफाइल में। तो ये अपने को पूरी की पूरी साइड प्रोफाइल मिलती है महिंद्रा थार के अंदर, जिसके अंदर भाई अलॉय काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं। और भाई 226 mm की इसके अंदर अपने को ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है भाई, बहुत ही ज़्यादा यार। इसमें तो मतलब गाड़ी टच होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, देखो कितनी ज़्यादा है। उसके बाद भाई टायर साइज़ की बात करते हो, तो इसके अंदर अपने को जो टायर साइज़ मिलता है वो है भाई अपना 255/65R18 18 inches का अपने को अलॉय व्हील मिल जाता है इसके अंदर। भाई क्या प्यारा लगता है देखने में। और एम होक इंजन के साथ आती है भाई, 2.2 लीटर का इंजन आता है, और ये 130 देख रहे हो ना अपनी 130 BHP निकालती है, और 300 Nm के साथ टॉर्क प्रोड्यूस करती है महिंद्रा की थार। और ये लगवाने के बाद तो भाई गाड़ी की लुक ही अलग आती है, और भाई टोरा अलग है। मतलब थार का ना ये कहने की बात है कि थार का टोरा ही अलग है। नाम ले दो बस महिंद्रा थार है, भाई बंदा समझेगा हाँ भाई कुछ पार्टी है, महंगी पार्टी। उसके बाद भाई इसके अंदर अपने को फुटरेस्ट वगैरह भी मिल जाते हैं साइड में पैर रख के चढ़ने के लिए, जो कि भाई बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्पफुल होता है, क्योंकि गाड़ी इतनी ऊँची है तो भाई इसकी तो जरूरत पड़ती पड़ती है। बाकी अपने को ORV मिसफिट टाइप के मिल जाते हैं, थार की बैजिंग मिल जाती है, मैट फिनिश के अंदर आते हैं, और डोर हैंडल भी अपने मैट फिनिश के अंदर है। बाकी इसके अंदर भाई हार्ड टॉप वाला वेरिएंट देख रहे हैं, इसके अंदर सॉफ्ट टॉप भी आती है और हार्ड टॉप भी आती है। यहाँ पर अपने को फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि भाई चाबी से अपने को खोलना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर अभी की का ऑप्शन देख रहे हो, की लगानी पड़ेगी इसके अंदर। भाई महिंद्रा थार के अंदर ना यही प्रॉब्लम है कि अंदर से इसके अंदर सिस्टम नहीं दे रखा, बाहर उतर के आपको या तो किसी को चाबी पकड़ाओ तब जाके ओपन होगा, या अपने आप जाके करो। और भाई जो इसके अंदर फ्यूल टैंक है ना अपना 57 लीटर का मिल जाता है अपने को, माइलेज वही अपनी 10 से 12 की तो भाई नॉर्मल दे ही देगी, क्योंकि भाई हैवी ऑफ रोडिंग व्हीकल है, तो भाई इससे इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी निकालने पर आप पर डिपेंड करता है कितनी निकाल सकते हो। पीछे की साइड आ जाते हैं भाई, पीछे से तो भाई गाड़ी मेरा दिल जीत लेती है भाई। पर्सनली मैं बताऊँ ना, मेरी पीछे से काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है महिंद्रा की थार, क्योंकि भाई देखने में इतनी कैडी लगती है। उसके बाद इसके अंदर अलॉय व्हील देखो भाई, पूरा का पूरा 18 इंचेस का दे रखा है, जैसे अपने चारों टायर आते हैं ना अलॉय व्हील के अंदर, सेम मिलता है अपने को ये वाला भी। और बाकी अपने को टेल लैम्प मिल जाती है इसके अंदर LED, एक बार आपको ऑन करके दिखा दो तब पता लगेगी। तो यहाँ से एक बार मैं अपनी टेल लैम्प ऑन कर देता हूँ। तो भाई ये कुछ अपने को टेल लैंप ऑन होने के बाद लुक निकल के आती है भाई महिंद्रा की थार के अंदर, जो कि LED मिलती है पूरी की पूरी स्क्वायर शेप में दे रखी है, मतलब थोड़े रेक्टेंगल टाइप में, भाई बढ़िया लगता है देखने में। थार की बैजिंग मिल जाती है इसके अंदर, इंडिकेटर अपना हैलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिलता है, जो कि यहाँ पर रिवर्स पार्किंग लैंप हो गया और ऊपर इंडिकेटर हो गया। तो कहने का मतलब यह है भाई पीछे से तो बहुत कैडी लुक है, नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा, और इसके अंदर दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं अपने को। और अगर नीचे की साइड से बात करते हो तो भाई पीछे से ये देखो कितनी सही लगती है, ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी काफ़ी बढ़िया है, और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर अपने को लाइट भी दे रखी है। और भाई उसके बाद ना यहाँ पर अपने को कोई भी वाइपर नहीं मिलता, बस इसके अंदर ना अपने को डिफोगर दे रखे है। देखो भाई वाइपर नहीं है इसके अंदर, डिफोगर दे रखा है भाई टॉप मॉडल के अंदर भी, और कैमरा भी नहीं मिलता भाई अपने को थार के अंदर ना। कैमरे की भी प्रॉब्लम है भाई, कैमरा दे देते यार इतनी ऊंची SUV बनाई है, कैमरा होना चाहिए यहाँ पर अपना हाई स्टॉप लैंप। और अगर बूट ओपन करनी है ना, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी। सबसे पहले आपको ये गेट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है, इस गेट को पूरा ओपन कर दो, और उसके बाद
इस मिरर को ऊपर करना पड़ेगा। तो ये हो गई भाई अपनी पूरी की पूरी बूट ओपन। और इतना कुछ अपने को बूट से मिल जाता है भाई, जो छोटा सा ये बिल्कुल थोड़ा सा एक दो बैग कैरी कर सकते हो, बाकी इसके अंदर ज़्यादा सामान आएगा नहीं, टूल किट वगैरह। और बाकी जो अपनी सीट है ना भाई रिक्लाइंड हो जाती है, उसके लिए यहाँ पर अपने को ये दे रखा है, देखो ये बटन है ना, इसको खींचेंगे तो यहाँ से अपनी सीट हो जाएगी रिक्लाइंड। और इसके बाद अपने को बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा, देखो जैसे इसको भी खींच देंगे तो यहाँ से अपनी ये वाली सीट भी रिक्लाइंड हो जाएगी। तो इतना कुछ बूट स्पेस बच जाएगा अगर आप करवाना चाहो ना भाई। लोग क्या करते हैं, जिसको टू सीटर गाड़ी चलानी है ना, वो खाली थार लेके चलाते हैं और इसको सीटों को हटवा देते, यहाँ पर सामान ही सामान हो जाता है। तो अभी इसको कर देते हैं वापसी फोल्ड, है ना। तो भाई ये काफ़ी सही सिस्टम लगता है मेरे को कि इसको हटवाने के बाद बूट स्पेस ही बूट स्पेस है भाई, क्योंकि इसमें ना पीछे की साइड इतने कंफर्टेबली बैठ नहीं पाते इन सीट पर, भी आपको बैठ के दिखाऊंगा ना तो उस हिसाब से। तो भाई अब चलते हैं मेन इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर में देखते हैं अपने को क्या कुछ खास मिल जाएगा थार के टॉप मॉडल के अंदर। तो चलो भाई एक बार चलते हैं इंटीरियर में, और इंटीरियर में बात करेंगे कि अपने को क्या कुछ खास मिलने वाला है इसके अंदर। ये देखो भाई ये पूरा का पूरा डोर मिलता है अपने को महिंद्रा थार के अंदर, जो कि भाई ब्लैक कलर के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर यहाँ पर अपने को डोर ओपनर मिल जाएगा, यहाँ से ऑटो फोल्डिंग ओवर भी मिल जाते हैं, मतलब ऑटो फोल्डिंग नहीं एडजस्ट कर सकते यहाँ से। बाकी भाई यहाँ पर बोतल होल्डर स्पेस वगैरह मिल जाएगा और यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, थार की बैरिंग मिल जाती है। तो ये कुछ अपने को पूरी की पूरी सीट मिलती है भाई, जो कि अपनी हाइट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से आगे पीछे भी कर सकते हैं और रिक्लाइन तो कर ही सकते हैं। और भाई इतनी ऊंची थार है, मैंने कहा था ना यहाँ पे पैर रखना ही पड़ेगा आपको चढ़ने के लिए, देखो भाई पैर रख के चढ़ेंगे। तो ये आ गया भाई अब हम थार के पूरे इंटीरियर के अंदर। ऐसा कुछ अपने को इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर भाई यहाँ पर बहुत सारी प्रीमियम सी चीज़ें दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर अपना क्रोम हो गया बोतल होल्डर अराउंड। और भाई आप कह रहे हो कि इसकी पावर विंडो तो आपने दिखाई नहीं, भाई यहाँ पे पावर विंडो भाई इसकी यहाँ पे आती है सेंटर में, यहीं से अपनी अप डाउन हो जाएगी, अभी की ऑन करूँगा तो हो जाएगी। 4x4 है ना भाई मेन इस गाड़ी के लिए, इसलिए 19 लाख रुपए लोग खर्च करते हैं, क्योंकि इसके अंदर अपने को 4x4 मिल जाता है। अगर 4x4 ना आए ना तो भाई फिर तो आप 10-11 लाख रुपए में इसका एक शोरूम अपना 1.5 लीटर वाली थार को लेके चला सकते हो 4x4 की बैजिंग लगा के, भाई मज़ा आ जाएगा। और 6 गियर इसके अंदर अपने आ जाते हैं, बाकी यहाँ पर हज़ार का बटन मिल जाता है, यहाँ से अपना लॉक अनलॉक के लिए बटन मिल जाता है, यहीं से लॉक हो जाएगी गाड़ी और यहीं से अनलॉक हो जाएगी। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, सीट बेल्ट की वार्निंग वगैरह हो गई, और ऑटोमेटिक अपना क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इसमें फैन स्पीड देख सकते हैं, और बाकी यहाँ से अपने एसी वेंट की कंट्रोल कर सकते हैं। ये कुछ स्क्रीन मिलती है भाई इसके अंदर, छोटी सी स्क्रीन दे रखी है, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, यहीं से अपनी चल जाती है, मतलब अभी जैसे की ऑन करूँगा ना, ये देखो भाई एक बार की ऑन करी तो यहाँ से अपना सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा, ये देखो इस टाइप से बन के आता है, थार लिख के आता है सबसे पहले, ऑफ रोडिंग टाइप में मिट्टी दे रखी है, 7000 तक आरपीएम मीटर भाई डीजल वाली है। और बाकी भाई यहाँ पर अपने सेंटर में थार बन के आती है, जो कि अपनी रीडिंग वगैरह बताती है कितने किलोमीटर चल चुकी है, चल सकती है, ओडोमीटर वगैरह, सीट बेल्ट वार्निंग, और 180 तक इसमें स्पीड लिमिट मिल जाती है भाई, 160-150 तक तो भाई आराम से पहुँच जाती है। पर लेकिन अगर आप थार को 100 से ऊपर लेके जाते हो ना तो भाई इसके अंदर स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं मिल पाती आपको, क्योंकि भाई हैवी व्हीकल है, बॉडी रोल वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और बाकी अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप अपना यहाँ से रिसोर्स कर सकते हो, या फिर यहाँ से रीसेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा स्टेयरिंग व्हील पे, यहाँ पर अपने वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाएंगे। तो भाई काफ़ी सही चीज़ है यार महिंद्रा थार के अंदर, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वगैरह भी, यहाँ पर अपने वाइपर के कंट्रोल, यहाँ पर हेडलैम्प के कंट्रोल, और ये कुछ पूरी की पूरी इंटीरियर से लुक निकल के आती है यार। मेरे हिसाब से महिंद्रा थार ले लो ना, पर लेकिन यार एक बात है बस, इसको ना भगा नहीं सकते, मैंने बताया ना 100 से ऊपर जाती थार के अंदर प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे ऐसे ना वाइब्रेशन सी करने लग जाती है। यहाँ पर अपने को LED लाइट मिल जाती है भाई यहाँ से ना, देखो थार में सारी अच्छी चीज़ है। आप कह रहे हो भाई स्पीकर तो दिखाया, स्पीकर नहीं आते क्या? ये देखो भाई यहाँ पर अपने स्पीकर हो गए और यहाँ पर अपने स्पीकर हो गए, ये छोटे छोटे देख रहे हो, ट्विटर हो गए इसके अंदर थार के अंदर। बाकी अब लेके चलता हूँ आपको पीछे वाली सीट पर, देखते हैं पीछे कितना कुछ स्पेस मिल जाएगा। तो भाई पीछे जाने के लिए ना हमें उधर वाली सीट से जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर वाली सीट से ऑप्शन नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा। और बाकी ये अपनी की वगैरह मिल जाती है, यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भाई अपनी लाइट वगैरह कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं भाई पीछे की साइड और देखते हैं पीछे क्या कुछ खास मिलेगा इसके अंदर। तो भाई थार में अगर आपको पीछे की साइड जाना है ना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पूरी की पूरी सीटें वाली आगे करनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर ना, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से जैसे इसको गिराओगे तो ये अपनी पूरी की पूरी सीट आ जाएगी आगे, फिर यहाँ से आप अपना आराम से थार के अंदर जा सकते हो। भाई बच्चा होगा तो ईजिली चला जाएगा, पर लेकिन कोई बड़ा होगा ना तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और पीछे बैठ के भाई इतना कुछ स्पेस मिल जाएगा, मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, ये देखो इतना कुछ स्पेस मिल जाएगा महिंद्रा थार के अंदर, ठीक ठाक सही है। बाकी भाई पीछे से इस टाइप का इंटीरियर नज़र आता है भाई, सामने से ना काफ़ी ज़्यादा सनलाइट आ रही है इसलिए आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा। ये देखो भाई आप देख सकते हो थोड़ा सा, तो ये कुछ इंटीरियर नज़र आता है भाई। पीछे ना इसके अंदर दो ही बंदे बैठ सकते हैं, एक तो इसके अंदर यहाँ पे साइड में ये हम्प दे रखे भाई दोनों साइड, उधर भी और इधर भी, बाकी दो ही बंदे बैठ सकते हैं यहाँ से। और ये अपना सेंटर वाले बंदा जो बैठेगा तो भाई परेशानी रहेगा इस पर, टेढ़ा मेढ़ा बैठेगा क्योंकि ऊँची सी दे रखी है, लेदर राइट के अंदर है, तो पीछे भी अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और पीछे से अगर देखते ना भाई व्यू बहुत कम मिलता है थार के अंदर ना, अपना IRVM इतना नीचे दे रखा है,
तो इसलिए व्यू बहुत कम हो जाता है थार के अंदर। पीछे बैठते ना ऐसा लगता है घुटन घुटन से, क्योंकि ये वाला मिरर भी नहीं खुलता और आगे इतना दिखता नहीं है, तो इसलिए चक्कर से आने लग जाएंगे भाई मेरे जैसे को, था ना थार के अंदर पीछे बैठ के। तो चलो अब चलते हैं बाहर और थोड़ा सा प्राइस वगैरह की बात कर लेते हैं। इसके अंदर इंजन तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, 2.2 लीटर का इसके अंदर अपना इंजन आता है जो कि 130 bhp निकालता है और 300 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और प्राइस की बात करें तो भाई 19 लाख के आसपास ना ऑन रोड प्राइस पड़ता है इसका महिंद्रा थार का। तो भाई यही थी छोटी सी वीडियो, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।